सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितृ को विराजमान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब ये चर्चा तो बड़ी है, मगर इस चर्चा का सीधा सीधा मैं आपको एक दर्शन दे दूं, फिर गीता में जा रहा हूं मैं। यान्ति देवव्रता भूतानि करके एक श्लोक है, वो श्लोक कहता है जो भी व्यक्ति, आप सभी लोग सुन लें, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज माइंड इट, जो भी व्यक्ति सकाम भाव से अपने पितरों की पूजा कर रहा है मूर्ति आदि बनाकर, उस व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होगी, वो पितृ और प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। दोबारा सुन लें, जो भी व्यक्ति सकाम भाव से अपने पितरों की मूर्ति आदि बनाकर पूजा करते हैं, या किसी कोई पत्थर रख लिया उसको पूजने लगे, ऐसी कोई पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी मुक्ति नहीं होती, आप सदा सदा के लिए पितृ योनि और प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब आप अपने आप को अर्जुन समझ लें, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझ लें, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए भी है। कभी भी पितरों को स्थान देने की जरूरत नहीं है भैया, पितरों को तो लोक देने की जरूरत है, उनके लिए ईश्वर ने पितृलोक बनाया है। वाय मतलब मुझे समझ नहीं आता, आप कई लोग, मैंने कई जगह राजस्थान में मैंने देखा बहुत सारे लोग, हरियाणा में मैंने देखा बहुत सारे लोग, पितरों में मूर्तियां और सारी चीजें हैं, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल वैदिक नहीं है। ये जो आपका कार्यक्रम है बिल्कुल भी वैदिक शास्त्रीय नहीं है। किसी वेद शास्त्र में आप मुझे लिखा अगर हो तो प्लीज मुझे कोट जरूर करें, आई हेल्प यू टू शो दैट। मैं खुद आपसे कह रहा हूं गीता, इसलिए मैं कहता हूं, भगवान कह रहे हैं अगर आप किसी भी तरह के पितृ देवताओं को मूर्ति के रूप में पूज रहे हैं, कब्र के पूज में, समाधि की बात कर रहे हैं, समाधि तक की बात की है, या ईश्वर के अलावा किसी को आप ईश्वर तुल्य मानकर, जो आजकल पूजा अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने बहुत अच्छे से बोला है कथा में, सुना होगा आपने, गुरुवार को बाबा की पूजा शुरू कर दी आपने, अगर आप कर रहे हैं इस तरह की पूजाएं तो आपको ब्रह्मा जी, नारद जी, नारायण जी, शिव जी, दुर्गा जी, जो भी जी हैं, आपको मुक्त नहीं करा पाएंगे, आप प्रेत और पितृ योनि में भटकेंगे, आपका कभी कल्याण नहीं होगा, और ये आप तय मान के करें। अगर आपको मेरी बात का कहीं भी ऐसा मिलता है कि नहीं जी ऐसा यहाँ लिखा हुआ ऐसा नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी शास्त्रीय घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पितरों को सकाम भाव से पूजना मतलब अपनी मृत्यु के बाद आप प्रेत और पितृ बनने को तैयार हो सदा सदा के लिए, क्योंकि मुक्ति तो कभी होनी नहीं है, उसमें साफ लिखा है। तो आप